एक बार दो वर्ष पहले गणेश चतुर्थी के बाद दिल्ली में कथा थी और हमने देखा है कि पुल के पास में रोड के किनारे इतने गणेश कि शायद हजारों लाखों गणेश जी पुल के किनारे पर रखे हुए थे, रोड के किनारे पर लोग वहां से चप्पल पहनकर जा रहे थे, गाड़ी लेकर जा रहे थे, सब चले जा रहे और गणेश जी, ढेर सारे गणेश जी। और फिर गुप्ता परिवार हमको लेने के लिए आया था उस समय पर स्टेशन पर। हमने गुप्ता जी से कहा जरा गाड़ी को रोकिए आगे, नगर निगम की गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें सारे गणेश जी को कचरे की गाड़ी में भरा जा रहा था। और विचार करो, 10 दिन पूजन करे हो और बाद में कचरे की गाड़ी में भेज देते हो तो तुमको उसका फल मिलेगा? दिल से कहना, ईमानदारी से आपकी चित्तवृत्ति में धारण कर, थोड़ा बुरा लगेगा आपको आज की कथा में, लग जाए लगे तो, पर भगवत भजन करने तुमने 10 दिन उसका पूजन करा, 10 दिन तुमने स्मरण करा, 10 दिन तुम उसने आपने उनका नाम जाप किया और फिर उसको भर कर कचरे की गाड़ी में भेज दिया, ये कहां की रीत है? बहुत ध्यान देना, शिव महापुराण ये नहीं कहती, गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम्हें इतना बड़ा गणेश बिठाओ, गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत बड़े गणेश जी बिठाओ, गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत विशालतम गणेश जी का निर्माण कर उसको विराजमान करो, गणेश पुराण शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम इतने बड़े भी गणेश जी जो तुम्हारे पास में रखने की जगह ना हो, विसर्जन की जगह ना हो तो ऐसे गणेश को घर में ना बिठाएं। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, गणेश पुराण तो यहां तक कहती है कि एक गोल सुपारी के लिए अगर गणेश जी बनाकर तुमने पूजन कर उसको भी जलाशय में विसर्जन कर दिया, नहीं कर सकते, किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर उसको रख कर उस पर पानी डाल दिया वो भी विसर्जन माना जाएगा, पर रोड के किनारे पर रखकर उसका अपमान करो ये शास्त्र नहीं कहता, ये वेद और पुराण नहीं कहते। कहीं भगवान गणेश जी को मोटरसाइकिल पर बिठा रहे हो, कहीं भगवान गणेश जी को ऑटो पर बिठा रहे हो, उनकी मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता है तो कहीं ऑटो पर बना रहा है, कहीं मोटरसाइकिल पर बना रहा है, कहीं भगवान गणेश जी बुलेट चला रहे हैं, ये भगवान का अपमान है, ये भगवान का अपमान। अरे कितनी विशेष बात, कितनी विशेष बात शिव महापुराण के कौमार्य खंड में लिख दी श्री वेदव्यास जी ने। शिव महापुराण के कौमार्य खंड में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती है। यहां तक का व्याख्यान शिव महापुराण करती है महाराज। लोगों को शोक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया, घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेदव्यास जी ने कौमार्य खंड के अंदर वर्णन करा, यदि देवता के अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है महाराज। यहां तक शिव महापुराण कहती है
कि भगवान शंकर का शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हो, भगवान शंकर का शिवलिंग घर में रखकर पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का आप स्मरण कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हो। पर शंकर जब शिवपुराण खुद कह रही है कि शंकर का जो भौतिक स्वरूप है, शंकर का जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे आप शिव महापुराण के पीछे जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर में शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसी मूर्ति तप करने वाली, ऐसी मूर्ति आशीर्वाद देने वाली, ऐसी मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शा हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जाती। स्वयं शिव महापुराण करे, फिर वो मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर वो मूर्ति कितनी भी बड़ी आकृति की हो, शिव महापुराण की कथा कहती है। हां, शिवलिंग जो भगवान शंकर का एक मूल बिंदु है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु विराजमान है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु का निर्माणित्व है वो शिवलिंग। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैसा भी रख सकते हो। और बहुत ध्यान देना आपको, कथा शिवलिंग शिव महापुराण गंगवार परिवार लखनऊ द्वारा जो सुनाई थी उसमें कहा था कि घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है तो तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम जल चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो स्नान कराओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, नहीं भी चढ़ाओगे तो भी शंकर श्राप नहीं देते, तो भी शंकर कुछ नहीं कहते। महाराज, मूर्ति का भाव बहुत ध्यान देना महाराज, उस गणेश के स्वरूप को कल एक प्रश्न किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा, बहुत सुंदर प्रश्न है, जिसने भी भेजा है बहुत सुंदर प्रश्न। वो प्रश्न गुरुजी, जैसे भगवान विष्णु शिव ब्रह्मा हर युग में हर तरह से प्रत्येक युग में वो प्रकट हुए और प्रत्येक युग में उनका स्मरण हुआ, क्या श्री गणेश जी महाराज हर युग में हैं? और हर युग में हैं तो हर युग में उनका नाम क्या हुआ और उनका वाहन क्या हुआ प्रत्येक युग में? बहुत सुंदर प्रश्न बेटा आपका। एक सरिता नाम की कोई गुड़िया है वेस्ट बंगाल से, उसका यह प्रश्न है जो बच्चों ने कल बताया व्हाट्सएप पर। बहुत सुंदर प्रश्न है बच्ची, क्या गणेश जी हर युग में है? क्या गणेश जी का हर युग में कौन सा वाहन हुआ, क्या नाम पड़ा उनका हर युग में? भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है सतयुग में जो गणेश जी थे, सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूज्य भाव था, सतयुग में जो गणेश जी की पूजन होती थी, भगवान गणेश जी का उस समय वाहन था सिंह शेर और उनका नाम था विनायक। बहुत ध्यान से सुनना, श्री गणेश शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत दिल से सुनिए उसको, शायद जो प्रसंग निकल जाता है वो वापिस नहीं मिल पाता। सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूजन किया गया, सतयुग में जो गणेश जी महाराज प्रकट हुए, सतयुग में जो गणेश जी का स्मरण करा गया, उनका वाहन है सिंह, शेर पर श्री गणेश जी महाराज बैठते थे महाराज, और उनका नाम है विनायक। त्रेता में जो गणेश जी महाराज का पूजन हुआ, श्री राम जी महाराज ने त्रेता में आकर जो विनायक का पूजन करा है, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करा है,
शंकर के शिवलिंग का पूजन जहां पर भगवान राम करते हैं उसी के ठीक सम्मुख में, अगर आप कभी रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, राम दर्शन करेंगे, तो उसी के सम्मुख में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज का त्रेता में जो दर्शन कराया गया वो महाराज मयूरेश्वर भगवान गणेश जी का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा है? मयूरेश्वर। यहां पर भगवान गणेश जी का वाहन मोर हुआ, मयूर हुआ, इसलिए गणेश जी का एक नाम होता है मयूरेश्वर महा भगवान गणेश, मयूरेश्वर विनायक भगवान गणेश। तीसरा वर्णन आया द्वापर में, द्वापर में भगवान श्री गणेश जी का नाम गजानंद हुआ और इनका वाहन चूहा हुआ। श्री गणेश जी महाराज का नाम गजानन, द्वापर में उसको गजानन कहा गया। भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, आप सबने कथा सुनी होगी, आप सभी ने स्मरण किया होगा कि जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं थी। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं है, ये राजा अनर्थ की है। राजा अनर्थ कौन? वो अनर्थ जिनके पिता एक बार अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कर रहे थे, जायदाद बांट रहे थे, और अपनी जायदाद बांटते बांटते राजा अनर्थ देव के पिताजी ने कहा कि ये वाली जायदाद जो मेरी है मैंने अनर्थ को दे दी, ये मेरी हिस्सा मैंने अनर्थ के बड़े भाई को दे दिया, ये भाव मैंने अनर्थ को दे दिया, ये मेरी जमीन मेरी भूमि मेरा मकान मेरी जायदाद। राजा अनर्थ के पिता कहते हैं कि ये मैंने बांटा है, मैंने तुमको दिया है। इतने में राजा अनर्थ के मुख से निकल गया, पिताजी आप कहते हो ये आपका है, आप कहते हो कि ये मेरा है। राजा अनर्थ कहते हैं पिताजी ये आपका नहीं, ये तो श्री हरि भगवान विष्णु का है। जब घोर कलयुग आएगा हर जगह पर हाहाकार मच जाएगा, मनुष्य की आकृति छोटी होती चली जाएगी, मनुष्य की आकृति बहुत छोटी होती चली जाएगी, तब भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं ध्रुमकेश होकर घोड़े पर विराजमान हो जाएंगे। बहुत सुंदर भाव है महाराज। शिव गणेश कार्तिकेय का जो नाम कीर्तन है, नाम जाप है, वो जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। तो प्रश्न करने वाले ने गलत प्रश्न नहीं किया है, बिल्कुल सत्य प्रश्न है। और फिर निवेदन करूंगा, 33 कोटि देवता हमारे सम्मुख में विराजमान है, ये हमारे ऊपर है, हम किसको भजें, हम किसका स्मरण करें। बस भाव आपका होना चाहिए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी यहां कूद गए कभी वहां कूद गए। हनुमान जी के पास 15 दिन तक गए, वहां दिया बत्ती लगा ली, अगरबत्ती लगा ली, धूप बत्ती लगा ली, उनने काम नहीं करा तो राम जी के पास पहुंच गए, राम जी से नहीं बना तो कहीं पहुंच गए। इस मन को जरा संसार के खूटे से छोड़ना पड़ेगा, तब ये मन परमात्मा में लगेगा। तुम सोचो भगवान 4 दिन अगरबत्ती लेके बैठ गए, 5वें दिन वैसे की वैसे, सावन महीने में तिलक छापा लगा लिया, खूब रुद्राक्ष की माला माला पहन के, कपड़ा मपड़ा बदल बदल के शंकर जी के मंदिर में खूब अभिषेक करा, और के भोलेनाथ जी हमारा हो जाएगा, शंकर जी के बरसाती मेंढक घेरे, ये क्या भगवान को मनाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या मतलब का? नहीं, भगवान से जो प्रीत लग जाए, भगवान से जो रम जाए। मौर्या गोस्वामी, क्या नाम है? मौर्या गोस्वामी। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में मौर्या गोस्वामी रहते थे, कर्नाटक के छोटे से गांव,
ये दुनिया के लोग बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, इसका मतलब क्या है? ये मोरिया नाम गणेश जी के आगे क्यों जुड़ा? शिव महापुराण में तो ये कहीं नहीं लिखा कि गणपति बप्पा मोरिया, गणेश पुराण में भी कहीं नहीं लिखा कि गणपति बप्पा मोरिया। क्यों? गणेश पुराण में मयूरध्वज लिखा है, गजानन लिखा है, विनायक लिखा है, श्री गणेश लिखा है। शिव महापुराण में श्री गणेश, विनायक, मयूरध्वज, धूर्मवत्त, ये नाम सब लिखे हैं। वक्रतुंड, ये सारे लिखे हैं, विघ्नहर्ता। पर गणपति बप्पा मोरिया, ये मोरिया शब्द कहां से आ गया? ये मोरिया संबोधन कहां से आ गया? सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर, इसी कली काल का, यही मृत्यु लोक का, यही संसार का। देखो संत कैसे होते हैं, उसका व्याख्यान वर्णन कर रहा है। आपको पहले भी कहा, भारत की भूमि पर चार संत ऐसे हुए जिनके शव नहीं मिले, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। पहले नंबर पर थी मीराबाई, दूसरे नंबर पर थे रामकृष्ण परमहंस, तीसरे नंबर पर थे चैतन्य महाप्रभु, और चौथे नंबर पर थे संत तुकाराम, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शव नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी कोई समाधि नहीं है। ये चार, मीरा, भगवान द्वारका नाथ से कहती है, हे प्रभु, हे कृष्ण, गिरधर, गोपाला, हे कृष्ण, हे कन्हैया, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे धक्के मार कर निकाला है, कृष्ण, मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्के मार कर निकाला है, और आज मेरे परिवार के लोग मुझे लेने के लिए फिर आए। मीरा, कृष्ण से कहते, मैं जाना नहीं चाहती, मुझे नहीं जाना वापस जिस नगर से मुझे धक्के देकर निकाला गया हो, जिस नगर से मुझे भगाया गया हो, वहां नहीं जाना चाहती। भगवान कहते हैं, मीरा तू नहीं जाना चाहती? नहीं। ठीक है मीरा, कल मेरा मंदिर खुलेगा, ये द्वारकाधीश के मंदिर के जब पट खुले तो मीरा मुझसे आके लिपट जाना, मुझ में समा जाना। और मीरा बाई भगवान कृष्ण में समाई, कृष्ण में। कोई समाधि मीरा की नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान आज के समय में मिलता है, तो मीरा कौन सी द्वापर की थी? मीरा कौन सी सतयुग की थी? मीरा भाई कौन सी त्रेता की थी? ये मीरा कलयुग की तो ही थी। ये रामकृष्ण परमहंस, ये चैतन्य महाप्रभु, ये संत तुकाराम, ये सब अभी के तो संत हैं। मीरा द्वारका नाथ में समा गई, रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए, संत तुकाराम जिनकी धर्म पत्नी ताने देती थी, गालियां देती थी, अपशब्द कहती थी, और जब भगवान पंडरीनाथ हरिविठल सामने आए कहते हैं चल तू मुझ में समा जा, संत तुकाराम कहते हैं पहले इसको भेज दो बैकुंठ, तब मैं आप में समाऊंगा। भगवान बोलेगी इतनी गाली देती, इतना अपशब्द कहती, इतना ताना देती, और तू पहले उसकी सोच रहा?
तो काराम जी बोले इसी के बल पर तो आप मिले हो, ये गाली देती थी, मैं भजन गाता था, ये ताने देती थी, मैं दौड़कर मंदिर आता था, इसी के बल पर मिले हो आप, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, बैकुंठ भेजिए इसको। भगवान ने उसको भेज दिया। हरि विट्ठल में संत तुकाराम समा गए, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। जगन्नाथ सब समाहित, इन चार संतों के अलावा एक संत और विचित्र हुए, मौर्या गोस्वामी। कोई बहुत पुराना समय नहीं, यही मौर्या गोस्वामी कर्नाटक के छोटे से गांव में रहते थे। भगवान की भक्ति हर एक में वही समाया है। सब में वही मौर्य गोस्वामी की शुद्धता। मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, शंकर जी वहीं रह जाएंगे। उस मंदिर का निर्माण एक बार हो गया, वो भूमि वहीं रह जाएगी, वहीं की वहीं। आपने अपने घर में बंगला बनाया, बंगले के हिस्से हो जाएंगे, बच्चे ले लेंगे, बेटियां ले लेंगी, बेटे ले लेंगे। पर जो मंदिर में आपने 500 रुपए लगाए, 1000 रुपए लगाए, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में आपने 1000, 2000, 10000, 20000 जो रुपए आपने मंदिर में निर्माण में लगा दिए, वो मंदिर अजर और अमर हो गया। हम भी चले गए, तुम भी चले गए, पर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर पर चढ़ाएगा, एक लोटा पानी अगर शिव को कोई समर्पित करेगा, तो उस जल चढ़ाए हुए एक लोटा पानी का एक अंश जो तुमने 1000-2000 रुपए लगाकर मंदिर का निर्माण करवाया है, उसका अंश तुम्हारे खाते में जरूर पहुंचेगा। ये पक्का है महाराज, ये पक्का। और शिव को दिया घटका नहीं, घटका नहीं। मेरे भारत भूमि के जो संत ब्राह्मण हैं, उन्होंने मूर्ति को रखकर, पत्थर को रखकर, देवता को रखकर उसमें प्रतिष्ठा कर दी। प्रतिष्ठा करने का मतलब ही है ये कि उसमें भगवान के प्राण आ गए। कोई दर्शन करने आए तो उसको पुण्य मिला, कोई दर्शन करने आए, कोई फल चढ़ाने, फूल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने, समी पत्र चढ़ाने आए तो उसका फल उसको मिले, उसका फल प्राप्त हो। प्रतिष्ठा। अन्नलासुर को वही मार सकता है जो एक किसी रूप में उसमें प्राण दिएगा। बोलो हर हर महादेव, जिसमें प्राण। अब अन्नलासुर शंकर के उपासक थे। ये जितने भी राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, गण हो, ये सब शिव की आराधना करते हैं, शंकर के उपासक। और अन्नलासुर शंकर की केवल एक ही चीज से आराधना करता था, क्योंकि असुर प्रवृत्ति का था, कहीं जाता वहां से मधु तोड़ कर लिया आता। मधु मतलब शहद, वहां से मधु तोड़ कर लिया आता, शहद लाता, और शंकर भगवान के ऊपर उस मधु को निचोड़ता, शहद को निचोड़ता। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते, भगवान शिव आनंदित हो जाते, भगवान शंकर के चेहरे पर बड़ी आनंदता आ जाती कि ये मधु मुझे समर्पित कर रहा है। भगवान शिव आनंदित होते। शंकर भगवान प्रकट हुए, अनला ए अनला, अनलासुर बोले प्रभु, भोलेनाथ विश्वनाथ आज आ पायो? हाँ अनला, मांग तुझे क्या चाहिए? अनलासुर कहते हैं, भोलेनाथ मैं आपकी आराधना करता हूं, पर देवता मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। देखो जगत चाहे कितना भी बुरा चाहे, जगत कितना भी बुरा चाहे, आप अपने मन से, अपनी चित्तवृत्ति से, अपने धैर्य से अच्छा करते चलो,
अच्छा करो। जगत चाहे कितना भी बुरा चाहे, अच्छाई करने में पीछे मत हटना। एक संत निकल कर जा रहे थे, एक व्यक्ति उनसे जलता था, इशारा करता था, पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, मुंह में बहुत सारा पान भर लिया खाकर। पान भरा, संत निकल कर जा रहे थे गंगा नहाकर, इसने थूक दिया संत पर। संत वापिस चले गए गंगा नहाने, ये फिर आए, इसने फिर थूका। फिर नहाने गए, फिर थूका। फिर नहाने गए, फिर थूका। ये जो पेड़ पर चढ़कर बैठा था, इसके मुख में पूरा पान खत्म हो गया, थूकते थूकते मुंह सूख गया, पर संत एक शब्द नहीं बोले, नहाते रहे, आते रहे। आखिरी में ये पेड़ से नीचे उतर गया, संत के चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैंने इतना थूका, इतना गलत काम किया, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला। गुरुदेव आप नहाने चले गए, मैं क्षमा मांगता हूं। गुरुजी बोले रुक, मुझे तुझे प्रणाम करना है। गुरुजी ने साष्टांग दंडवत उस व्यक्ति के सामने कर लिया। साष्टांग दंडवत गुरुदेव कर रहे हैं जो थूक रहा था उसके सामने। उसने कहा गुरुदेव मैंने तो आप पर थूका है, मैंने आप पर इतनी बार पीक से थूक दिया, पान थूका, इतना गलत काम मैंने किया और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। गुरुजी बोले भाई देख, रोज गंगा नहाता था, एक डुबकी लगाकर चला जाता था, पर आज तेरी कृपा ऐसी हो गई, आज गंगा की 108 डुबकी लग गई, ये तेरी ही तो कृपा है, तेरी कृपा बिना कुछ नहीं, तेरी दया बिना कुछ नहीं। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। महाराज हमारे सीहोर की अग्रवाल महिला मंडल कथा कराती है, हर साल कराती है। इनकी कथा भागवत जी की 7 दिन की होती है, पर 7 दिन पहले से भगवत चर्चा चालू हो जाती है हमारी महिला मंडल की। भागवत जी इनकी चित्तवृत्ति में, भागवत इनके हृदय में, भागवत हमारा प्यारा शिव का स्मरण करने वाला अगर कोई भगत है तो यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। मेरो क्या तो करेगो यमराज, गुरु मेरो समर्थ है। सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा दे, आनंद का अनुभव। महाराज तो यहां शास्त्र कह रहा है, मौर्या गोस्वामी को लोग शब्द पर शब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं। और दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी अपशब्द बोले, आप भगवान की भक्ति में अगर डूब गए हो तो फिर कुछ भी नहीं। मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे, मारे मारे तो। कोई कुछ भी कहे, आपकी चित्तवृत्ति में अगर भगवान समाहित है, अलमस्त रहे, खूब अलमस्त। जैसे हरदोई उत्तर प्रदेश का ये सोमवंशी परिवार, मन में आया
और कहा सात दिन नहीं है कथा के गुरु जी के पास में, तो पांच दिन की करो और हमको कथा करवाना है। आशीष जी उनको बोले आप एक काम करना बाद में ले लेना, सात दिन नहीं 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 नहीं, जीवन का क्या भरोसा, आप तो करो, क्या भरोसा इस जिंदगी का, किसका साथ, भले पांच दिन की कथा हो पर हो। शिव महापुराण तो अगर एक दिन की, दो दिन की, तीन दिन की, पांच दिन की, सात दिन की, नौ दिन की, ग्यारह दिन की, महीने भर की, एक साल, चार साल, दस साल भी चले तो शिव महापुराण ये वो महापुराण है जो कभी समाप्त नहीं होती। चित्त वृत्ति में अगर शिव है तो कथा का रस तत्व कैसे भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सोचा जाए कि सत्यनारायण की कथा 15 पूर्णिमा को कराएंगे, फिर अगली पूर्णिमा कराएंगे, तो सत्यनारायण भगवान सोचते हैं अब तू पूर्णिमा ढूंढ ले पहले फिर कथा हो जाए, बहुत मुश्किल है। और एक बार चित्त वृत्ति में आ गया कि कथा होना है भले कितनी भी दिन की ऊपर हो, और भगवान की कथा सुनवा कर सोमवंशी परिवार अपनी 71 पीढ़ी को तार दे रहा है। और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, जितने लोग भले आप लोग शिव महापुराण की पोथी नैमिषारण्य में बिठा रहे हो, 25 तारीख को बुकिंग बंद हो जाएगी, 25 तारीख को 108 पोथी की बुकिंग जो नैमिषारण्य में होना है उसकी बुकिंग बंद हो जाएगी। तो आप बिठा रहे हो अपने पूर्वजों को तार, जो श्राद्ध पक्ष में कथा हो रही है उस श्राद्ध पक्ष के आनंद सुख को पाने, एक तो शिव पुराण की पोथी, ऊपर से श्राद्ध पक्ष, ये जीवन का सुख देने वाली, आनंद देने वाली, रस तत्व का सुख प्रदान करना। महाराज मौर्य गोस्वामी को लोग अपशब्द कर जाने देते, मौर्य गोस्वामी, अब गांव के लोगों ने उनको शब्दों के ताने दिए तो दिए, अब बच्चे पत्थर उठाकर मारने लगे। गणपति बब्बा मौर्या कैसे हुए वो कथा बहुत ध्यान से सुनना, किसी नाम के आगे किसी संत का नाम कैसे जुड़ा भगवान के साथ वो देखिए। रामकृष्ण परमहंस के साथ देवी जी का नाम नहीं जुड़ा है, या देवी जी का नाम रामकृष्ण परमहंस के साथ नहीं जुड़ा, चैतन्य महाप्रभु जी का नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा, संत तुकार का राम का नाम पंडरीनाथ के साथ नहीं जुड़ा, मीराबाई का नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा, पर केवल इस राष्ट्र के एक संत हैं मौर्य गोस्वामी जिनका नाम गणेश के साथ जुड़ा, गणपति बब्बा मौर्य, एक संत मौर्य गोस्वामी, भक्ति नहीं छूती है। गांव के लोग अपशब्द कर रहे, गांव के लोग ताना दे रहे, गांव के लोग अब बच्चे पत्थर फेंक कर मार रहे। जितने नगर में जीव रहते थे, स्वान, पशु, पक्षी, चींटी, झिंगुर, सर्प, बंदर, मोर, हिरण, जितने जीव पृथ्वी पर रहते थे ये मौर्य गोस्वामी से प्रेम करते थे, क्योंकि मौर्य गोस्वामी सबका सब हित करते थे, किसी को लग गई मौर्य गोस्वामी उसकी सेवा करते, सारे जीव जंतु उनका आदर करते। दुनिया में कई लोगों को इसी चीज से जलन हो जाती है कि लोग ये इतने सारे जीव जंतु मौर्य गोस्वामी के साथ कैसे है। आप अगर प्रेम से बोल रहे हो, आप अगर मीठा बोल रहे हो, आप अगर स्नेह दे रहे हो और सब लोग आपके पक्ष में हैं, तो कुछ लोग आपके विपक्ष में भी होंगे कि इतने लोग इसके पक्ष में क्यों हैं। मौर्य गोस्वामी जीव, किसी ने मौर्य गोस्वामी को पत्थर फेंक कर मार दिया, मौर्य गोस्वामी के तन पर से रक्त बह रहा, एक स्वान, एक कुत्ता
पास में आकर चाट रहा। गौ माता आ गई, उसने चाटा। मौर्या गोस्वामी चल दिए। शरीर से रक्त बहुत बह गया। मौर्या गोस्वामी जब चक्कर खाकर भूमि पर गिरते हैं, एक हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता है, मौर्या गोस्वामी पर डाल देता है। जिसको आपने दिल से भजा है, फिर निवेदन करता हूं, शिव को भजा है, अंतिम क्षण तक शिव तुम्हारे पास में होगा। अंतिम क्षण तक कृष्ण को भजा है तो अंतिम क्षण तक कृष्ण तुम्हारे पास होगा। राम को भजा है तो अंतिम क्षण तक राम तुम्हारे पास होगा। ब्रह्मा को भजे हैं तो अंतिम क्षण तक ब्रह्मा आपके पास होंगे। देवी का भजन किया है तो अंतिम क्षण तक देवी आपके पास हो। दिल्ली के शालीमार बाग में कौन सा परिवार था कथा कराया था? तुल्ली परिवार। दिल्ली के शालीमार बाग में तुल्ली परिवार ने कथा कराई थी। उनके यहां जो माता जी हैं, फोन आते रहते हैं उनके कभी। शरीर में शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, श्वास, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो उनको नहीं, सारी बीमारी। दो कदम चल नहीं पाते, शायद वो कथा तो YouTube पे भी डली होगी। YouTube पे डली होगी, शालीमार बाग तुल्ली परिवार ने कथा कराई, YouTube पे डली होगी, तो आप देखना उन माता जी को। दो कदम चल नहीं सकती, पांव हाथ शरीर सब। पति से कहा, तुल्ली जी से शिव पुराण कराना। तुल्ली जी बोले, बेटा अमृतसर में रहता है ना, अमृतसर बेटा, यहां अकेले अपन दोनों कैसे कथा होगी? भोलेनाथ जी की कथा है, मिश्रा जी कहते हैं कथा में सीहोर वाले कि शंकर कर रहा है, शंकर करा रहा है, शंकर बाँच रहा है और शंकर ही सुन रहा है, कथा करवाना। अब तुल्ली जी भी थोड़ी हेल्थी हैं, बनता नहीं, नौकर के भरोसे कितना करे, कथा कर। पत्नी बोली, मैं व्यवस्था कर लूंगी, मेरी सहेलियां व्यवस्था कर लेंगी, कथा कर। मन में शिव बस गया और कथा करवाई। कभी तुल्ली जी की वो धर्म पत्नी से पूछना, जो इतनी अवस्था में शरीर में सारे रोग होने पर भी 7 दिन जब शिव महापुराण की कथा में रमे, शुगर अपने लेवल में रही, बीपी अपने लेवल में रहा, बीमारियां अपने लेवल में रही। नहीं तो वही तुल्ली जी की धर्म पत्नी कहती है कि 1-2 दिन पहले तक हॉस्पिटल से छुट्टी करा कर आई थी, 2 दिन पहले तक। शिव आराधना में, चित्त में, वृत्ति में शंकर समा गया, फिर वो शिव ही जान सकता है कि क्यों करा रहा है, कैसे करा रहा है और किस लिए करा रहा है। ऑनलाइन कथा जिंदल परिवार ने कराई, राव परिवार फरीदाबाद ने कराई, गंगवार परिवार लखनऊ ने कराई, और वही किताब कथा में आगे बढ़ते बढ़ते जो क्रम चल रहा है, वही क्रम। राजूरे परिवार लातूर महाराष्ट्र ने कराई, और फिर ये हरदोई उत्तर प्रदेश के सोमवंशी परिवार। कहीं शिव समा गया है चित्त वृत्ति में, कहीं शिव आ गया है उस मन में, उस चित्त में, बस हो गए महाराज। मौर्या गोस्वामी को पत्थर मारे तो मौर्या गोस्वामी का प्रेम। धन किसी को दोगे वो इतना भजन तुम्हारा नहीं कर पाएगा, जब तक दिखोगे तो तुम्हारे सामने काम करेगा, पीठ पीछे बुराई कर सकता है, हाँ उसके पास तो बहुत है, बता रहा होगा। धन
काम नहीं करवा सकता, पर प्रेम काम करवा देता है, स्नेह काम करवा देता है। मौर्य गोस्वामी को लोगों ने पत्थर मारे, मौर्य गोस्वामी को लोगों ने ताने दिए, मौर्य गोस्वामी को लोगों ने अपशब्द कहे, पर मौर्य गोस्वामी का जो प्रेम गणेश के प्रति, जो प्रेम जीवों के प्रति था, वो प्रबल था। प्रखर, प्रबल। प्रबल प्रेम। एक निवेदन करना चाहूंगा, बुधवार के दिन अष्टमी है, दुर्वाष्टमी। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर पांच दुर्वा सफेद, सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद दुर्वा, पांच सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि, दुर्वाष्टमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक एक दिन में सुबह खाली पेट एक एक दुर्वा को खा लें। महाराज आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा, जांच करना, आपके पास में जांच की मशीन हो तो अवश्य करिएगा। प्रेम, अगर आपने देवता से भी प्रेम करा है, भगवान से प्रेम करा है, तो भगवान रोग बीमारी कष्ट दुख दरिद्रता दूर करे। मौर्य गोस्वामी का प्रेम प्रबल था, भगवान से प्रेम किया। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम गणेश जी बिठाते हैं तो गणेश जी के पास में वो चूहा रहता है, ये कौन था? तो ये हरतालिका की कथा सुन लो, आज मालूम पड़ जाएगा कि वो चूहा कौन था। कई लोगों का प्रश्न है कि गणेश जी के साथ जो चूहा रहता है, हम गणेश जी बिठाते हैं तो चूहा साथ में रहता है, तो वो चूहा कौन था? तो उनको मालूम होना चाहिए कि चूहा कौन था, क्या गड़बड़ी कर गया था कि चूहा बन गया। स्मरण होना चाहिए आपको। मनोमयी को लगा मेरे स्वामी आए, उसको भान नहीं हो पाया कि स्वामी नहीं है, ये तो क्रौंच गंधर्व प्रवेश कर गया। और गलत सोच से, गलत विचार से, बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाना या बहुत ऊंचे पद पर बैठ कर अच्छे रह लेना, ये भगवान की कृपा से ही हो सकता। ऊंच निवास नीच कर देख न सकल पराई, गादी पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे अवधे पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, और बैठने के बाद अपनी चित्त, अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपनी वाणी, अपनी सोच सही बनाकर रख लेना, बहुत कठिन बात। एक भगवान से प्रार्थना जरूर करना, आप लोग, मैं तो निवेदन करूंगा हिंगोली वासियों से भी, आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से भी, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से भी निवेदन करूंगा, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमें ऊंचे सिंहासन पर बिठाना, हमें ऊंची गादी देना, हमें राष्ट्रीय ठाट देना, हमें दुनिया का सारा सुख देना, पर इतनी कृपा करना कि अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाएं, अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाया जाए, किसी को हमारी वाणी से चोट ना लगे, किसी को हमारी वाणी से कोई घात ना लगे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं,
आपका मन कथा में लगे तो आप कथा सुनो। आपका मन करे कि सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है उसमें कुछ सार तत्व है तो आप सुनो, नहीं है आपके हाथ में रिमोट है आप टीवी बंद कर दो। बहुत सारे महाराज आ रहे होंगे चेंज कर दो तुरंत, बटन ही तो दबाना है महाराज चेंज, उसमें क्या दिया गया। शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है शिव को और गणेश को, बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है, और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है। महाराज कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको ये शिवलिंग है समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है ठीक है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है, शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विशहरा, शामरीबारी, 2 तली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है, एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं, और कल से चतुर्थी लग रही है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र, 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र, और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का मूल स्थान। आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया फिर वापिस विसर्जन कर दिया, पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है, सदा आराधना। और देखो ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण का, मेरे
बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का है। पर हमें बताना जरूर व्हाट्सएप पर, हो मैसेज जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको 10 दिन के अंदर, बोलना जरूर।